नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या तिवारी। हाथों की लकीरें बहुत कुछ कहती हैं। हाथ देखकर जाना जा सकता है कि व्यक्ति धनवान होगा या नहीं, शादी कब होगी, कितनी संतानें होंगी। ऐसे में आज हम जानेंगे कि किन रेखाओं के हाथ में होने से इंसान को संपत्ति लाभ मिलता है। जानेंगे हस्त लेखा, विज्ञान का राज, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। हथेली में है एक से अधिक भाग्य रेखा और जीवन रेखा है गोल, तो कैसा है रेखाओं का भाग्य से मेल, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से हथेली में रेखाओं का खेल। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है माघ का और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है श्रावण, योग है सिद्धि और करण है भव। चलिए तो ये तो था आज का पंचांग, अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भूमि भवन विषयों के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। वाहन सुख प्राप्त करने का जो आपका एक सपना था आज वो प्राप्त हो सकता है, इसके बहुत उत्तम योग आपके लिए बनते हैं और आज की तिथि में स्वास्थ्य सुख भी आपके लिए उत्तम ही रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज के दिन को बहुत ही शुभ बनाएगा आपके लिए। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि कोई अतिथि, कोई आगंतुक आपके घर आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें, यथासंभव यथा सामर्थ्य कुछ भेंट कुछ दक्षिणा देकर के आपको विदा अवश्य करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आप प्रतियोगियों को परास्त करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा प्रबल कर सकते हैं। तो जब आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी तो इसके साथ साथ आपको अपने धन का संचय भी करना चाहिए। जब पैसा आता है उस दौरान अगर आप अपनी सेविंग्स कर लें तो ज्यादा अच्छा आपको फायदा मिल सकता है आने वाले समय में, और अभी पैसे को बचा करके रखने की आवश्यकता है। निवेश करने में बहुत जल्दीबाजी मत करिए, सोच समझ करके निर्णय करें तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिन दिनचर्या में मांसाहार के सेवन से प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें और किस तरीके से पूजा अर्चना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने व्ययों पर यानी खर्चों पर नियंत्रण रखने से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा नियंत्रित कर सकते हैं। आपको अपने आर्थिक पक्ष में लाभ मिल जाएगा, धन का संचय आज आप कर पाएंगे और आज का दिन जो है आपके लिए अपने कर्ज यानी ऋण चुकाने के लिए बहुत उत्तम अवसर आपको प्राप्त होगा। ये दिन बहुत शुभ है इस मायने में, तो आज आपको कर्ज उतारने का प्रयास आरंभ करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़ों का, बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखाएं, ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे उनके भावना को ठेस पहुंचे। चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ आर्थिक तंगी अनुभव कर सकते हैं यानी धन की कमी महसूस होने के संयोग बनते हैं। संचय करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय व निवेश आपके लिए ठीक नहीं है, तो बहुत ज्यादा खर्च मत करिए और कहीं जल्दीबाजी में निवेश का कोई निर्णय मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। आपके बने कार्य को भी प्रभावित करने का प्रयास वो करेंगे। शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धन का व्यय करने से आपको भी आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ योजनाओं में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, यानी किसी बड़ी योजना में आपको आज घाटा हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो जो भी आप बड़े निर्णय करने वाले हैं, बहुत ही सोच समझ करके आपको अपना बड़ा निर्णय करना चाहिए और सबके सुझाव से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कोई निर्णय करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। कोई पुरानी रुकी हुई योजना आज अगर आप उसके लिए प्रयास करें तो वह योजना आपको आज लाभ दे सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यह समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं बनता, निवेश से दूर रहना चाहिए। अभी कॉलर नैनीताल से हमारे जुड़ गए हैं, गोपाल जुड़ गए हैं। गोपाल अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम जी, गोपाल पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम जी, नमस्कार, बताइए सर। मेरा जन्म, मैं यहाँ जिला नैनीताल से बोल रहा हूँ सर जी। हेलो जी, बोलिए बोलिए, आपको सुनना है, जन्म विवरण बताइए। मेरा जन्म सर अल्मोड़ा में हुआ है सन 1971 में जी। तारीख और महीना भी बताइए। सन 1971 में मंगलवार के दिन 3:15 सुबह। तारीख और महीना बताइए, सबसे पहले तारीख, महीना, वर्ष, फिर समय और स्थान बताया जाता है। वर्ष तो सर 1971 है सर, तारीख नहीं बता रहे इनको, शायद जानकारी नहीं। मंगलवार है सर, मंगलवार 1971 सुबह 3:00। महोदय 1 से 31 तारीख होती है, अगर आप तारीख नहीं बताएंगे, महीना नहीं बताएंगे तो 1971 मंगलवार से कौन सी कुंडली आपको बता दी जाएगी। दूसरी कॉल लीजिए। और दर्शकों, हम यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज अपने टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखिएगा और सही तरीके से अपना जन्म विवरण भी दीजिए ताकि हम जो सवाल है आप सही तरीके से कर सकें और आचार्य जी भी आपके जवाब जो सवाल है उनका सही तरीके से जवाब दे सके। एक कॉलर अब आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना सवाल पूछिए। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। आयुष पूछिए अपना सवाल। पंडित जी जी नमस्कार, बताइए। मैं जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1993 जी। और सर मेरा जन्म, मैं 5:00 शाम को जी, 5:10 जी। सर मैं जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ सर जी। बिल्कुल, देखिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है और कह सकता हूँ आपका जो अपना कार्य क्षेत्र है वो आपकी कुंडली के अनुसार बिल्कुल ही उचित है। इस समय में आप अपने कार्यक्षेत्र में खुद को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बीटेक का जो क्षेत्र है, किसी न किसी तरीके से तकनीकी क्षेत्र में आपको जाना था, ये आपकी कुंडली का योग था और आपने जो अपना कार्यक्षेत्र चुना है वो बहुत अच्छा है। नौकरी की जहाँ तक बात आपने बताई कि आपको बाधा आ रही है, नौकरी कब तक मिलेगी, कार्यक्षेत्र में सफलता कब तक मिलेगी, तो 12 जनवरी 2015 से आपके लिए सफलता का योग आरंभ हो चुका है और इस दौरान आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। अभी आपको ये सुझाव दूंगा कि जो भी नौकरी आपको मिलती है आरंभ करने के लिए वो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा 11 नवंबर 2015 के बाद से, तो अभी आपको 6-8 महीने 10 महीने के लिए जो नौकरी मिलती है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद जो आपको जैसा आप स्थान चाहते थे, कार्यक्षेत्र चाहते थे, जैसा पद आप अपने लिए चाहते थे वैसा आपको पद मिलेगा। इस दौरान हनुमान जी की पूजा आराधना आप नियमित करते रहिए, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और अभी कॉलर बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल जुड़ गए हैं। राहुल अपना सवाल पूछिए। जी मैं बहराइच से बोल रहा हूँ जी, पूछिए अपना सवाल। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 2003, समय 12:00 दिन में, बताइए। तो जी पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी पढ़ाई आगे जाके कैसी होगी, मुझे अपनी पढ़ाई में थोड़ा विकार नजर आ रहा है जी। बिल्कुल, देखिए राहुल की कॉल से हमें समझ में आता है कि हमारा जो दर्शक वर्ग है वो 14 साल की अवस्था का बालक से लेकर के वयस्क लोग तक हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। राहुल आपने अपने करियर, अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है। आपकी कुंडली के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा और शनि का प्रत्यंतर है।
आपकी कुंडली में मैं ये आशा करता हूँ कि आपके साथ आपके अभिभावक भी आपका ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और आपकी कुंडली के बारे में फलादेश सुन रहे होंगे। तो आपकी कुंडली में कर्म भाव में सूर्य और केतु का जो संयोग है वो आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विघ्न उत्पन्न करेगा आपके करियर में, आपके भाग्य को निर्धारित करने में। तो समय रहते अगर सूर्य और केतु का निदान कर लिया जाए तो आपको फायदा मिलेगा। आपके माता पिता, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, आपके माता पिता को आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अभी कॉलर चित्तौड़गढ़ से जुड़ गई हैं, दिशा जुड़ गई हैं। दिशा, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1996, शाम को 4:30 बजे। जी पंडित जी, वो बहुत ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा तेज है। ना तो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना हमारी किसी काम में मदद करता है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। जी बिल्कुल। इस जातक का जन्म स्थान बता दें। चित्तौड़गढ़, राजस्थान। जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है और शुक्र इनके लिए किसी भी परिस्थिति में बहुत शुभ नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहला उपाय तो ये करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन इस जातक के, इस व्यक्ति के हाथ से किसी ब्राह्मण को 250 ग्राम सफ़ेद मिठाई, कोई भी खोए की मिठाई हो सकती है, और एक दूध का पैकेट, आधा लीटर एक लीटर आप अपने सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं, 250 ग्राम चावल और थोड़ी सी दही, 10 रुपये या 5 रुपये की दही लेकर के किसी ब्राह्मण को आप दान कराइए। ये उपाय आपको 16 शुक्रवार इस बच्चे के हाथ से कराना चाहिए। तो इसकी जो उग्रता है, जो ये बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, जो उग्रता है ये नियंत्रित हो जाएगी। ये लड़का बहुत ही संस्कारी, बहुत अच्छा व्यवहार करने लगेगा। इस उपाय को करने से आपको और पूरे परिवार को इस जातक की तरफ से जितनी शिकायतें हैं वो शिकायतें दूर हो जाएंगी और फायदा मिलेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे बाकी बची राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। बारे में फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। आप काफी समय से यदि प्रयासरत थे कि आपको कहीं से ऋण संबंधी कोई सहायता मिल जाए, कोई आर्थिक सहायता मिल जाए, तो आपको आज जो है बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। आपके लोन का जो फाइल थी वो सैंक्शन हो जाएगी और आपको जब लोन प्राप्त होगा तो आपके कई सारे रुके हुए काम, कई सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकते हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से कई सारे कार्य सिद्ध होंगे, परंतु कर्ज जो आपने लिया है उसे सही समय पर वापस करने का प्रयास आपको जरूर रखना चाहिए। शुद्ध भावना, अच्छी भावना मन में जरूर रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश ना करें तो आपके लिए ज्यादा हितकारी है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में विदेश से संबंधित स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदा ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ है। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी और उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जोश और ऊर्जा शक्ति आपकी जो है वो देखते ही बनती है, तो आज आपकी इस शुभ ऊर्जा का प्रयोग आपको अपने कामों को सिद्ध करने में जरूर करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल और कैसी है उनके सितारों की चाल।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिश्रम के उपरांत ही सफलता संभव है, तो आज आपको मेहनत जरूर करनी है, बड़े कार्य आज आपके बन सकते हैं। आलस्य आपको कभी नहीं सुहाता है, तो आलस्य का परित्याग करिए, पूरी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में लगिए, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है और कार्यों का बोझ आपके ऊपर बढ़ता प्रतीत होता आज दिखाई देता है। जिम्मेदारी से ऐसे में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत से परिश्रम से काम करना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी दी जाए पूरी निष्ठा से उसका पालन करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नवः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम व वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक, कुछ नया, कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य करने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। किसी की निंदा करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट मत करिए। चलिए तो ये तो था वारा राशियों का राशिफल, अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हस्तरेखा के बारे में। हमारी और आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं जिनसे संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है, तो आइए जानते हैं कि आप कैसे ये जान सकते हैं कि आपके हाथ में वह विशेष रेखा है, वह विशेष योग है जिससे आप प्रॉपर्टी से संबंधित, संपत्ति से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के समय में, इन दिनों में प्रॉपर्टी में निवेश करके हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, क्योंकि ये धन लाभ का, धन को और बढ़ाने का बहुत अच्छा, बहुत सरल और बहुत मजबूत, बहुत सशक्त माध्यम माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों को लाभ तो मिल जाता है और कुछ लोग धन निवेश करके प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा नुकसान भी उठा बैठते हैं। ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी हथेली को देख करके आप जान सकते हैं कि आपको संपत्ति में निवेश करने से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा मिलेगा या आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट डूबने जा रहा है। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि जिनकी हथेली में एक से अधिक भाग्य रेखा हो और जीवन रेखा गोल हो तो व्यक्ति को स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहिए। इस क्षेत्र में किया गया निवेश इन्हें खूब लाभ देता है, अपार धन की प्राप्ति इनको ऐसा निवेश कराता है। जिन व्यक्ति की उंगलियां लंबी होती हैं, हृदय व मस्तिष्क रेखा एक मिली हुई हो, जीवन रेखा गोल हो और भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक गई हो तो संपत्ति में सोच समझ करके ही निवेश करना चाहिए। जमीन के कागजात और जमीन की जांच पड़ताल करके ही, अच्छे तरीके से आप जांच परख करके ही उस प्रॉपर्टी को खरीदें या उसमें आप निवेश करें। अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा गोल है और हृदय एवं मस्तिष्क रेखा एक है, एक साथ मिली हुई है, इसके साथ हृदय रेखा पर कोई दूसरी रेखा उसको काट रही है, उस पर आ रही है, तो इसे संपत्ति में निवेश के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप, आपके हाथ में ऐसा लक्षण है तो निश्चित ही आप निवेश करके उससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हथेली में अगर गुरु, मंगल, शनि और बुध पर्वत उभरे हुए हैं तो स्थायी संपत्ति में निवेश आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जैसे ही आपको उसकी, अपनी संपत्ति की उचित कीमत मिलने लगे, आपके पैसे आपको बढ़कर के मिलने लगे, तो आपको बेचने में भी देर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लंबे समय के बाद, एक बड़ा गैप आने के बाद आपको वही संपत्ति नुकसान भी दे सकती है। तो आपको जब उसका एक अच्छा मुनाफा मिलने लगे आप बेच दीजिए, उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप लगातार अपने पैसे को वृद्धि कर सकते हैं और अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं कि संपत्ति कमाने का, संपत्ति से पैसे कमाने का योग आपके हाथ में बनता है या नहीं बनता है। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से समझना है, लेकिन अगर हाथों की लकीरों को देखें तो किस तरीके से, क्योंकि अनजान व्यक्ति को तो पता नहीं होता है कि जो रेखाएं किस तरीके से देखी जाती है, तो इसके लिए कोई उपाय हो?
देखिए हर व्यक्ति जानता है कि भाग्य रेखा कौन सी है। भाग्य रेखा ये जो उभरी सी आती है नीचे से, ये भाग्य रेखा होती है, और इसके साथ इधर से जो आ रही है ये हृदय रेखा होती है। तो ये बहुत आम सा लक्षण है जो अमूमन हर व्यक्ति जानता है कि कौन सी भाग्य रेखा है, कौन सी हृदय रेखा है। बस इतना सा अगर आप जान लें तो बहुत अच्छा संयोग होता है। और जिन उंगलियों में आप रत्न धारण करते हैं उस उंगली से संबंधित ये जो उभार होता है इसे पर्वत कहते हैं। तो ये जो है ये क्योंकि हम पुखराज इसमें पहनते हैं तो ये गुरु का पर्वत हुआ, क्योंकि आप गुरु का रत्न धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इसमें जो है गोमेद पहनते हैं या दूसरे और रत्न धारण करते हैं तो आप उस इस उभार को समझ सकते हैं। आप इसमें माणिक इत्यादि पहनते हैं तो इसको आप सूर्य पर्वत समझ सकते हैं। ये जो बीच की उंगली का पर्वत होता है ये शनि का पर्वत कहा जाता है, और आखिरी उंगली जो होती है, जो छोटी उंगली होती है, इसमें जो उभार होता है इसे बुध का पर्वत कहते हैं, और ये जो अंगूठे के साथ उभार होता है इसे शुक्र का स्थान समझना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।